हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑटो राउंडर्स। आज का जो वीडियो है वो एक XUV 500 पे है। इस पे हम लोग हमेशा एक हमारा इंटरनल डिबेट रहता है बिटवीन XUV एंड फॉर्च्यूनर। बोथ आर SUV, बोथ कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड ब्रांड टोयोटा एंड महिंद्रा। तो ये वाली XUV जो है ये ओल्ड शेप SUV है और इसको हमने W11 में मॉडिफाई किया हुआ है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास ये XUV ओल्ड शेप है, जैसे W6 है, W8 है, एंड दे डोंट लाइक द शेप नाउ बिकॉज इट लुक्स लिटिल ओल्ड। तो वो सारे लोग सोचते हैं कि ये गाड़ी को बेच कर XUV 700 ले ले, या इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इंजन अच्छा है तो इसी को रिटेन करे, इंटीरियर ठीक नहीं लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत लोग को डाउट होता है। तो उसी रीज़न से हमने ये वीडियो आपको थोड़ा डिटेल में बताया है कि अगर आपके पास भी ओल्ड XUV 500 है और आप उसको बेचने का सोच रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज इसको हमने ओल्ड मॉडल से W11 में ट्रांसफॉर्म किया है, प्लस दी एंटायर इंटीरियर हैज बीन रिवैम्प्ड। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वाली जो गाड़ी है इसको हमने फेसलिफ्ट जो किया है उसमें बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, ग्रिल, तो ये सारे जितने ही पार्ट्स आप देख रहे हैं ये सब महिंद्रा के ही है। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आपको कोई इशू नहीं आएगा। प्लस जो इंटीरियर है वो भी हमने कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो हम लोग जब इंटीरियर कस्टमाइज़ करते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग वी डू इन हाउस। तो अगर आप सीट कवर्स के पैटर्न्स भी देखेंगे तो वो भी सारे हम खुद ही बनाते हैं, इंक्लूडिंग मटेरियल सिलेक्शन, स्टिचिंग, आपको स्टिच का मटेरियल जो है वो थ्रेड का मटेरियल वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी होता है जब आप सब कुछ इनहाउस करते हैं, आपकी खुद की टीम हो, तभी आप क्वालिटी और सर्विस दोनों कर सकते हैं। तो इसका इंटीरियर भी हमने कम्प्लीटली रिवैम्प किया हुआ है ताकि बाहर से तो आपको डेफिनेटली एकदम ब्रांड न्यू शोरूम कंडीशन गाड़ी लगेगी, बट जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको फील आएगा कि अरे यार ये तो अभी भी पुराना ही लग रहा है। तो हम उसमें XUV 700 जैसा इंटीरियर तो नहीं कर सकते क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, बट या एटलीस्ट द एग्जिस्टिंग इंटीरियर वी कैन रिवैम्प एंड मेक इट लाइक W11। तो आप अंदर बैठेंगे तो आपको वो भी एक अच्छा फील आएगा।
और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हमारा इंटरनल डिबेट हमेशा रहता है बिटवीन दीज टू कार्स कि कौन सी अच्छी गाड़ी है, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी अच्छी है। इफ़ यू आस्क फॉर माई पर्सनल ओपिनियन, तो एक्सयूवी जो है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, प्लस उसका इंटीरियर जो है वो भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ लुक एंड फील। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई लाइक, एंड ऑल्सो इट हैज़ लॉट ऑफ फीचर्स। एंड व्हेन यू लुक एट फॉर्च्यूनर, तो नो डाउट इट लुक्स वेरी मैस्कुलर, इट इज़ वेरी रिलायबल, एक बार खरीद के भूल जाओ वैसा वाला सिस्टम है। बट हाँ, उसकी राइड क्वालिटी आई डोंट फाइंड इट एज कम्फर्टेबल एज XUV 500, एंड फीचर्स भी उसमें थोड़े कम है। बट प्लीज़ आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है, प्लस ये वाली गाड़ी आपको कैसी लगी, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसा कुछ काम कराना हो तो आप हमारे चारों वर्कशॉप में कहीं पे भी आ सकते हैं। सो नाउ वी हैव टोटल 4 वर्कशॉप, मुंबई में जो अंधेरी मरोल है वहाँ पे हमारा एक वर्कशॉप है, प्लस मीरा भाईंदर थाने गोड़बंद रोड है वहाँ पे वर्कशॉप है, एंड वी हैव इन पुणे एंड हैदराबाद, एंड ऑल द नंबर्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो वी हैव अ एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर 8425808080। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।